घर सभी के लिए खास होता है, फिर वो हम आप जैसे कॉमनर हो या फिर फिल्म स्टार। जी हाँ, हम बात आज करेंगे भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के नए घर की। जी हाँ, इतना आलीशान बन रहा है कि अब भाई देखने वाले भी दंग हो जाएंगे। जी हाँ, समय समय पर खेसारी लाल यादव अपने पैतृक गांव जा रहे हैं और अपने घर का मुआयना कर रहे हैं ताकि कोई कमी न रह जाए। दूर से ही सभी को खेसारी लाल यादव का घर एकदम आलीशान नजर आए। वैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ का अब तक भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे आलीशान घर रहा है। 3 मंजिला इमारत में दिनेश लाल यादव निरहुआ के घर में सिर्फ अकेले उनकी माँ रहती हैं। और आपको बता दें, वो इतना आलीशान है कि जो भी उसे एक बार देखता है बस देखता ही रह जाता है। आपको बता दें कि ठीक खेसारी लाल यादव उसी तर्ज पर 3 मंजिला इमारत तो बनवा रहे हैं, लेकिन उसकी बनावट दिनेश लाल यादव निरहुआ के घर से बिल्कुल अलग है। वो बता दें कि उनके घर में हर एक हाईटेक सुविधाएं होंगी। वहाँ पर लाइट चले जाने पर भी आपको महसूस नहीं होगा कि लाइट नहीं है, क्योंकि वहाँ पूरी तरह से सोलार सिस्टम का उपयोग किया गया है। साथ ही साथ खेसारी लाल यादव ने अपने घर में ही लिफ्ट की व्यवस्था भी करवाई है। उनके माता पिता बुजुर्ग हैं, अगर उन्हें ऊपर की छत पर जाना हो, टेरेस पे जाना हो, तो वो सीढ़ी से नहीं बल्कि लिफ्ट से जाएँ। हर एक फ्लोर पे अलग से किचन होगा और हर एक फ्लोर पर अलग से वाईफाई से लेकर हाईटेक सुविधाएं होंगी। खेसारी अपने ड्रीम होम को कंप्लीट करेंगे। साथ ही पैसेज की बात करें तो खेसारी के घर के आगे खुला खुला और हरियाली का माहौल होगा। जी हाँ, पेड़ पौधे भी अपने घर के आगे खेसारी लाल यादव ने अच्छे खासे लगवाने वाले हैं। और बागीचे की बात करें तो खेसारी के घर के जस्ट पीछे ही बागीचा होगा। जी हाँ, जहाँ पर हर किस्म के फल उगाए जाएंगे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक ड्रीम हाउस क्या होता है। खेसारी लाल यादव के घर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, घर अभी बनना स्टार्ट हुआ है और खेसारी ने अपने घर पर अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। अब भाई जैसे ही ये घर बनकर तैयार होगा, उसकी सबसे पहली तस्वीर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। साथ ही साथ घर के ऐसे और दृश्यों को भी दिखाएंगे जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टोरी को लाइक कर दीजिए।